से अयोध्या आस्था स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 1400 यात्री भगवान श्री राम के दर्शन के लिए रवाना। अयोध्या में कई वर्षों के इंतजार के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गया है। अब धीरे धीरे देश भर से लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज आस्था स्पेशल ट्रेन से 1400 राम भक्त सूरत में रवाना हुए। केंद्रीय रेल मंत्री दर्शना जरदोश ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी। जय श्री राम के नारे के साथ ट्रेन रवाना करने वाले सुरतियों में भगवान रामलला के दर्शन के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। रामलला के विराजमान होने के बाद बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम भक्तों, कार सेवकों और संघ परिवार संगठनों के सहयोग से राम प्रतिष्ठा संस्था के समन्वय से सूरत से पहली ट्रेन से भक्त रवाना हुए हैं। राम भक्तों में एक और उत्साह देखने को मिला। 13 फरवरी को एक और ट्रेन रवाना होगी। केंद्रीय रेल मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि आज सबका विश्वास पूरा हो रहा है। सभी हिंदू भगवान रामलला के दर्शन के लिए उत्सुक है। यहाँ से निकले सभी राम भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। उनके रहने, खाने पीने की सभी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था पहले से ही हो चुकी है। राम भक्तों के लिए 13 फरवरी को उधना रेलवे स्टेशन से एक और ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। फिर भी करीब 1400 राम भक्त दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। प्रायोरिटी देते हुए आज हमारे साथ सुरेश जी, नंद किशोर जी, दिनेश जी, जो हमारे संघ परिवार से जुड़े हुए, भगिनी संस्था से जुड़े हुए और हमारी बाबू भाई के साथ में सब लोग आज रास्ता ट्रेन से रवाना हो रहे हैं। ये ट्रेन के अंदर खाने के साथ में, कंबल के साथ में, पूरी सुविधा के साथ में अटेंडेंट भी होंगे, उनको लोकल लैंग्वेज में भी जानकारी मिलेगी, कोई असुविधा नहीं होगा, ध्यान रखा जाएगा और ऐसे 1400 लोगों का पहला आज जत्था आज रवाना हो रहा है। मैं सभी को शुभकामना कि वो अपने मन की आस्था पूरा करके आए, जो प्रधानमंत्री ने हमारा सपना पूरा किया है। आज उनके बाद में क्रमशः उनका फिर से पूरे शेड्यूल किया गया है। पूरे देश से और पूरे गुजरात से भी ये ट्रेन बारी बारी चलेगी। दूसरी ट्रेन सूरत से उधना से 13 तारीख को रवाना होगी, लेकिन आज पहली ट्रेन का उत्साह भी बहुत है। हम लोगों ने संघ की प्रार्थना के साथ में आज हमारी अच्छी शुरुआत करी और सियावर रामचंद्र की जय।